चीन के जाल से नहीं निकल पा रहा नेपाल। अब भारत की तीन महत्वपूर्ण भूभागों को कब्जाने के लिए नेपाल कर रहा बड़ी साजिश। अचानक अमेरिका ने भारत को भेजा बुलावा, भारत ताइवान और अमेरिका मिलकर करेंगे चीन का खात्मा। दोस्तों, नेपाल चीन के दलदल में लगातार फंसता जा रहा है और इस बात का संकेत अब नेपाल से जो खबर आ रही है उससे साफ साफ मिल रहा है। नेपाल के अंदर चीन ने कहां तक घुसपैठ कर दी है वह तो हम पिछले साल देख ही चुके हैं, जब नेपाल की ओली सरकार ने भारत के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपना बताया था। लेकिन अब एक बार फिर से इसी बात को लेकर नेपाल से एक बड़ी खबर आई है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कही है। और इस बात से ये साफ संकेत मिल रहा है कि नेपाल में भारत के लिए कुछ बड़ा चल रहा है। नेपाल केवल अकेला इस साजिश का हिस्सा नहीं है, बल्कि ड्रैगन उसके सपोर्ट में सदियों से भारत नेपाल के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने के प्रयास में जुटा है। दरअसल दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व विपक्षी दल CPN UML के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे भारत से काला पानी, लिंपिया धुरा और लिपुलेख क्षेत्रों को वापस ले लेंगे। और इन क्षेत्रों को कैसे वापस लिया जाएगा इसके लिए उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि भारत की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यह क्षेत्र पुराने इतिहास से भारत के पास है और भारत के भूभाग का ही अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, लिपुलेख दर्रा कालापानी के पास एक सुदूर पश्चिमी बिंदु है जो नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपने क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में दावा करते हैं। भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचुला जिले के हिस्से के रूप में इस पर दावा करता है। काठमांडू से 60 किलोमीटर दक्षिण में चितवन में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 100वें आम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ओली ने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो वे भारत से बातचीत के माध्यम से लिंपिया धुरा, कालापानी और लिपुलेख जैसे विवादित क्षेत्रों को वापस ले लेगा। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के जरिए समस्याओं के समाधान के पक्ष में है, न कि पड़ोसियों से दुश्मनी करके। जैसा कि दोस्तों नाम से स्पष्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है और जिनपिंग के कदमों पर चल रही है। दोस्तों, ओली ने विश्वास जताया है कि CPN UML अगले साल होने वाले आम चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगा। आपको बता दूं कि दोस्तों, भारत द्वारा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे को धारचुला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क 8 मई 2020 को खोले जाने के बाद द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए थे नेपाल के साथ। नेपाल ने सड़क के उद्घाटन का भयंकर विरोध किया था और उसने दावा किया था कि यह उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। कुछ दिनों बाद नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिंपिया धुरा को अपने क्षेत्रों के रूप में दिखाते हुए एक नया नक्शा लेकर आया था। भारत ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी और दोनों देशों के बीच भयंकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं एक बार फिर से केपी शर्मा ओली ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी नेपाल की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच उद्घाटन कार्यक्रम को विशेष अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने सभी राजनीतिक दलों से देश के विकास के लिए एक साथ आने और हाथ मिलाने का आग्रह किया। सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हम सभी संविधान का मसौदा तैयार करने वाले थे, अब समय आ गया है कि हम सभी देश के विकास के लिए आगे बढ़े। नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा इसमें बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया और श्रीलंका सहित विभिन्न देशों की पार्टियों के प्रतिनिधि ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था। और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री हर्षवर्धन उन विदेशी प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्होंने आम सम्मेलन के उद्घाटन में कार्यक्रम में भाग लिया था। वैसे दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से की गई इस टिप्पणी पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत को मिला अमेरिका से अचानक न्योता, अमेरिका ताइवान भारत के नए पैंतरे से बौखलाया चीन। दोस्तों, पिछले महीने अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान की सांस से अटक गई थी, क्योंकि मोदी की वो मुलाकात न केवल महत्वपूर्ण थी रणनीतिक तौर पर बल्कि सामरिक तौर पर भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मोदी की इस यात्रा के समय UN में भी भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को POK को लेकर जमकर चेतावनी दी थी। तो वहीं चीन के लिए कई खतरनाक हथियारों के लिए अमेरिका से डील भी हुई थी, जिसमें प्रीडेटर ड्रोन भी एक अहम हिस्सा है। लेकिन अचानक से एक बार फिर
भारत की ओर से यह कहा गया है कि उसे अमेरिका से न्योता मिला है और बहुत ही जल्द अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में ये पिछले एक डेढ़ महीने से मोदी और बाइडेन के बीच लगातार तीसरी मुलाकात होने वाली है। दोस्तों, इस बार अमेरिका ने न केवल भारत को बल्कि ताइवान को भी बुलावा भेज दिया है और इस बात से चीन के पिछवाड़े में आग लग गई है, क्योंकि चीन पहले से ही अमेरिका पर ताइवान को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराज था और अब एक बार फिर ताइवान, अमेरिका और भारत मिलकर कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं जिससे कि चीन बौखला उठा है, क्योंकि चीन इस मुलाकात के बाद का नतीजा जानता है। चीन ताइवान पर भारत को भी कई बार चेतावनी दे चुका है, लेकिन कई ऐसी खबरें सूत्रों से मिल रही है कि भारत ताइवान की मदद लगातार कर रहा है चीन की हर धमकी को नजरअंदाज करते हुए। दरअसल दोस्तों, अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि भारत ने शुक्रवार को पुष्टि की कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समिट ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल होने का न्योता मिल गया है। इसमें सूत्रों ने कहा है कि इस वर्चुअल इवेंट में मोदी के हिस्सा लेने की पूरी संभावना है। भारत उन 100 में से अधिक देशों में शामिल है जिन्हें 9-10 दिसंबर को होने वाले इस वर्चुअल समिट के लिए आमंत्रित किया गया है। इस समिट से ताइवान का दुश्मन चीन, नाटो का सदस्य तुर्की और रूस को बाहर रखा गया है। सन्नद रहे कि इसमें ताइवान का नाम शामिल है। लोकतंत्र पर चर्चा के लिए आयोजित होने वाले समिट फॉर डेमोक्रेसी में भाग लेने के लिए ताइवान को आमंत्रित करने के बाइडेन प्रशासन के कदम पर चीन ने आपत्ति जताई थी। चीन ने बुधवार को अमेरिका को चेतावनी दी थी कि ताइपे को विश्व मंच देने से वह आहत होगा। इसके साथ ही चीन ने शिखर सम्मेलन की भी आलोचना करते हुए कहा कि इसका आयोजन का मकसद अमेरिका की भू राजनीतिक इरादों को आगे बढ़ाना है। इससे पहले अमेरिका के विदेश विभाग ने घोषणा की थी कि स्व शासित द्वीप ताइवान सहित 110 देशों को 9-10 दिसंबर को आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक आयोजन अमेरिका के नेतृत्व में होगा। हांगकांग स्थित समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रितों की सूची से चीन को हटा दिया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से आमंत्रित देशों में भारत, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और फिलीपीन शामिल है। सर्बिया सहित ज्यादातर यूरोपीय देशों को भी आमंत्रित किया जाता है, लेकिन बोस्निया और हर्जगोविना और हंगरी को नहीं बुलाया गया है। चीन लोकतंत्र शिखर सम्मेलन की आलोचना करता रहा है और उसका कहना है कि अमेरिका के पास उसके लिए पेटेंट नहीं है और इस आयोजन का मकसद दुनिया को विभाजित करना है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र से संबंधित इस बैठक के अंदर जब ताइवान को बुला लिया गया है तो चीन पूरी तरह से हैरान। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता झाओ लीजिया ने एक मीडिया ब्रीफिंग में अमेरिकी कदम की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि चीन लोकतंत्र संबंधी शिखर बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ताइवान को आमंत्रित कर और चीन की सरकार चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है और ताइवान को चीन का हिस्सा होने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय दर्जा नहीं है। ऐसे में दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।